सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग रेसल स्ट्रोक। कल हमें इम्पैक्ट रेसलिंग का रिबेलियन 2022 प्रीमियम लाइव इवेंट देखने को मिलने वाला है, या पेपर व्यू भी कह सकते हो। ये पेपर व्यू हमें देखने को मिलने वाला है और इस वाले पेपर व्यू के लिए करीब 8 से 9 मैचेस को ऑफिशियल तौर पे इम्पैक्ट रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है। तो उन मैचेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में मैच के रिजल्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर पहली बार मीट करो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन पर ऑल पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट मैच से। और गाइज, ये मैच हमें और किसी के लिए नहीं, बल्कि गाइज हमें इम्पैक्ट के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हम एक टैग टीम का एलिमिनेशन मैच देखने को मिलने वाला है, यानी कि टैग टीम का एलिमिनेशन चैलेंज मैच देखने को मिलने वाला है। और अभी तक ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं हुआ है कि VVD यानी कि वायलेंट बाई डिज़ाइन के जो मिस्ट्री टैग टीम है वो कौन सा उनको फेस करने वाला है। और ये मैच हमें कल के इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन 2022 में देखने को मिलने वाला है। वहीं पे सेकेंड मैच की बात की जाए और ये मैच हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है, जे वाइट वर्सेस स्टीव मैकलिन वर्सेस क्रिस शेबिन के बीच में। आपको मैं बता दूं कि जे वाइट जो है बुलेट क्लब के मेंबर हैं और वो NJPW के सुपरस्टार हैं, और ये भी ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन 2022 के लिए। और गाइस, थर्ड मैच की बात की जाए और ये मैच हमें डियोना प्राजो वर्सेस टाया वल्कैरी के बीच में AAA रियाना डे रेनास चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है। अब आपको बताने का जरूरत नहीं है, यानी कि बताने की जरूरत नहीं है, मैंने गलती से आपको बोल दिया, बताने की जरूरत नहीं है। जो टाया वल्कैरी है वो फॉर्मर NXT के सुपरस्टार है। पहले तो वो इम्पैक्ट रेसलिंग में ही थी, लेकिन इम्पैक्ट रेसलिंग को छोड़कर फिर वो NXT में जाती है, यानी कि WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाती है, और उनका नाम हमें फ्रैंकी मोनेट देखने को मिलता है। फिर वो WWE उनको रिलीज कर देती है, तो फिर वो अभी इम्पैक्ट रेसलिंग में आ चुके हैं और हमें उनका मैच देखने को मिलने वाला है कल के इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन 2022 में। हमें AAA रियाना चैंपियनशिप के लिए डियाना प्राजो वर्सेस टाया वल्कैरी के बीच में, और इस मैच को भी ऑफिशियल तौर पे इम्पैक्ट रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है। और वहीं पे इस वाले पेपर व्यू के फोर्थ मैच की बात की जाए और ये मैच हमें नॉकआउट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टासा स्टील्स वर्सेस रोजमैरी के बीच में देखने को मिलने वाला है। ये मैच आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट रेसलिंग का जो मेन वुमेन्स चैंपियनशिप है उसके लिए देखने को मिलने वाला है। दोनों ओपोनेंट कोई खास नहीं है और जो चैंपियन है उनके बारे में भी कुछ उतना कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी मैच ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है। और वहीं पे इस वाले पेपर व्यू के आप कह सकते हो कि फिफ्थ मैच की बात की जाए और ये मैच हमें नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलने वाला है। ये मैच काफ़ी इंटरेस्टेड हो सकता है आपके लिए, द इन्फ्लुएंस वर्सेज द इंस्पिरेशन के बीच में। अभी से कुछ दिन पहले जब हमें इंस्पिरेशन का बाउंड फॉर ग्लोरी 2022 में डेब्यू देखने को मिलता है, तो वो वहाँ पे जो नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप है उसको कैप्चर करती हैं, और उसके बाद इन्फ्लुएंस ही उनसे उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप को, यानी कि जो नॉकआउट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप है उससे वो जीतती है। और ये वाला रीमैच ऑफिशियल तौर पे अनाउंस हो चुका है और कल के इम्पैक्ट रेसलिंग के रेवेलियन 2022 में हमें ये वाला मैच देखने को मिलने वाला है। इस पेपर व्यू के सेवेंथ मैच की बात की जाए और ये मैच हमें और किसी के लिए नहीं, बल्कि आप कह सकते हो ये भी मैच हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। और गाइस, जैसा कि अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैच हमें एक्स डिवीजन चैंपियनशिप के लिए एस ऑस्टिन वर्सेस ट्रे मिग्यूल वर्सेस माइक बेली के बीच में एक्स डिवीजन चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलने वाला है, यानी कि ट्रिपल थ्रेट ये मैच है। और इस मैच को भी ऑफिशियल तौर पे इम्पैक्ट रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है। ये भी मैच काफ़ी अच्छा हो सकता है। वहीं पे इस मैच के रिजल्ट की बात की जाए, काफ़ी मैचेस के तो मैंने रिजल्ट आपको नहीं बताया है, हो सकता है कि ट्रे मिग्यूल जीत सकते हैं और वो हरा देंगे माइक बेली एंड एस ऑस्टिन को। नेक्स्ट मैच की बात की जाए और ये मैच हमें जोनाह वर्सेस ईसी के बीच में सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। जोनाह जो है वो फॉर्मर WWE के NXT के सुपरस्टार रह चुका है। WWE इनको भी अपने बंडल्स में जब सुपरस्टार को रिलीज करती है तो जोनाह को भी WWE रिलीज कर देती है। वो फॉर्मर नॉर्थ अमेरिका चैंपियन भी रह चुके हैं NXT के, तो इनका भी हमें सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है कल के इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन 2022 में। वहीं पे गाइज, इस वाले पेपर व्यू की मेन इवेंट की बात की जाए और ये मेन इवेंट मैच हमें और किसी के लिए नहीं, बल्कि गाइज हमें इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मूस नेशन वर्सेस जॉस अलेक्जेंडर के बीच में देखने को मिलने वाला है। यानी कि आप कह सकते हो कि वॉकिंग वीपन वर्सेस हमें मूस के बीच में इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है। आपको मैं बता दूं कि बाउंड फॉर ग्लोरी 2022 में, यानी कि जुलाई में, क्या होता है कि जॉस अलेक्जेंडर चैंपियनशिप को जीतते हैं, मूस अपना क्या करते हैं कि एक ट्रॉफी हमें इम्पैक्ट रेसलिंग में देखने को मिलता है, उसको कैसिंग करके उनसे वो मतलब पीछे से आके जीत जाते हैं और वो
हमारे न्यू चैंपियन बनते हैं। और गाइस इंपैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन 2022 में इस वाले मैच को भी ऑफिशियल तौर पे इंपैक्ट रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है। एब्सोल्युटली नो डाउट ये मैच हमें मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है। और ये भी आप कह सकते हो कि ये जो मैच होगा वो काफी अच्छा हो सकता है। मैच में काफी चीजें हमें देखने को मिल सकते हैं। इस मैच के रिजल्ट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि इस मैच को और कोई नहीं बल्कि जॉस अलेक्जेंडर जीतेंगे और वो हमारे इंपैक्ट रेसलिंग के न्यू वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं। इसके चांसेस और पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि मूस हारेंगे और जॉस अलेक्जेंडर हमारे न्यू चैंपियन बन सकते हैं। बाकी लेट्स सी कल के इंपैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन 2022 में हमें तो पता चल ही जाएगा कि इस मैच का क्या रिजल्ट होने वाला है। लेकिन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और कल मैं इस वाले पेपर व्यू को जरूर देखूंगा क्योंकि इस वाले पेपर व्यू में हमें काफी अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिल रहा है। और जो सबसे खतरनाक मेन इवेंट मैच है वो तो काफी अच्छा है, जॉस अलेक्जेंडर वर्सेस मूस के बीच में। तो ये भी मैच काफी अच्छा आपके लिए हो सकता है। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इस वाले पेपर व्यू को कल जरूर देखना। शायद सोनी 10.3 पे या सोनी 10.2 पे आ सकता है ये वाला प्रीमियम लाइव इवेंट या पेपर व्यू, आप जो बोल सकते हो, ये हमें देखने को मिल सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है, देखना पड़ेगा मेरे को वेबसाइट उनका सोनी 10 वाले का, देखते हैं कि क्या उन्होंने अनाउंस किया नहीं। लेकिन आप जाके देख सकते हो फाइट टीवी पे भी। इस वाले प्रीमियम लाइव इवेंट की लास्ट मैच की बात की है और ये मैच हमें एडी एडवर्ड्स वर्सेस जोनाथन ग्रीशम के बीच में देखने को मिलने वाला है। अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ है कि आरोस का यानी कि जो रिंग ऑफ ऑनर का जो चैंपियनशिप है वो ऑन द लाइन जाएगा या नहीं। लेकिन ये भी मैच हमें एडी एडवर्ड्स वर्सेस जोनाथन ग्रीस के बीच में यानी कि जोनाथन ग्रीशम जो है उनके बीच में देखने को मिलने वाला है। और ये भी मैच कल के इंपैक्ट रेसलिंग के रेबेलियन 2022 में देखने को मिलने वाला है। तो कुछ यही मैचेस हैं जिसको ऑफिशियल तौर पे इंपैक्ट रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है कल के रेबेलियन 2022 के लिए। करीब 8 से 9 मैचेस को ऑफिशियल तौर पे इंपैक्ट रेसलिंग ने अनाउंस कर दिया है इस वाले पेपर व्यू के लिए। ये वाला जो पेपर व्यू है कल हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो हमें स्टे एक्साइटेड रहना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड रहो मेन इवेंट के लिए। मेन इवेंट में काफ़ी धांसू चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ जॉस अलेक्जेंडर हमारे न्यू चैंपियन बनते हैं तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। और जहाँ तक कि मुझे लगता है जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में शो करके बताया है, हो सकता है कि जॉस अलेक्जेंडर हमारे न्यू चैंपियन बन ही जाए मूस को हरा के। बाकी देखते हैं क्या होता है कल के लिए। आप लोग स्टे एक्साइटेड रहो और काफ़ी चांसेस ज़्यादा है कि ये हमें सोनी 10.1 या सोनी 10.2 या 10.3 पे से किसी पे भी देखने को मिल सकता है। तो जो भी होगा मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए कुछ यही मैचेस हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स।